Hey Koreans again viewers, this is Rekha Bansal और आज हम बात करने वाले हैं Eternal Love के episode 10 की. So let's get started. यहाँ Ebony Lord Fox Clan से रिश्ता cancel करने के लिए बिल्कुल मना कर भी कहता है. ये एक promise है Celestial Tribe Fox Clan के भी. उस मामूली स्नेक के चक्कर में हम रिश्ता क्यों कैंसिल करें? Fox King agree करके कहता है आपका point है. तभी Zian कहता है second prince को Baishan में कोई interest नहीं है. उन दोनों lover को अलग करवाना ठीक होगा क्या? Fox King दोबारा agree करता है. Heavenly Lord कहता है तुम आप ये रिश्ता जब कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले हाँ ही क्यों की थी आपने? Fox King कहता है आप दोनों ही सही कह रहे हो. तभी वहाँ ये हुआ आकर सभी को ग्रीट करता है. Heavenly Lord उसका इंट्रोडक्शन कराता है. Zian शॉक होकर उससे पूछता है तुम Mo Yuan से रिलेट करती हो क्या? ये हुआ मना करता है. Zian Heavenly Lord से पूछता है आपका ग्रैंडसन हाई गॉड Mo Yuan जैसा दिखता है. Heavenly Lord कहता है पहले मैं भी कंफ्यूज था बट जब 70,000 ईयर्स पहले Mo Yuan की सोल इधर उधर चली गई मुझे लगा इसने उसकी लास्ट सोल 20,000 ईयर्स पहले ही ले ली. अब ये हुआ बनकर हमारे पास लौट आए. Zian कहता है उसकी आइडेंटिटी ले ली. हो ही नहीं सकता अगर Mo Yuan की लास्ट सोल भी होगी तो भी वो ऐसे इधर उधर नहीं जाएगी वो वापस कुनलुन माउंटेन लौटेगी. Heavenly Lord कहता है पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था बट अब मैंने सोचना बंद कर दिया. Mo Yuan हाई मॉडर्न 25,000 ईयर्स के अंदर बना बट मेरा ग्रैंडसन 20,000 ईयर्स में ही बन गया. इसने प्रूफ कर दिया कि ये Mo Yuan नहीं है. Zian कहता है तुम हाई इमोर्टल 20,000 ईयर्स में ही बन गए नई जनरेशन टाइम को पीछे छोड़ देती है. Fox King कहता है ये तारीफ के लायक है. Zian पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ है? ये हुआ कहता है हाईनेस अरेंज करेंगे. Zian खुश होता है. यहाँ सांगजी शाओ शिंग को इविल सीलिंग पगोड़ा से निकलवा कर बाहर लाता है. वो मेड से अंदर की जानकारी लेता है. सांगजी पूछता है तुम डर रही हो क्या? शाओ शिंग मना करती है. सांगजी कहता है अंदर बहुत सा रिकॉर्ड है अगर मैं चांस लेकर फादर से माफी मांगूंगा तो शायद वो हमें माफ कर दे लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें मारना चाहेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा. बाद में दौवत दीजुन सिमिंग को बताता है मैंने अर्थ इमॉर्टल को एक टोकन दिया है अगर शिंगकांग कुछ हलचल करता है तो मैं उसे खुद देख लूंगा. सिमिंग पूछता है क्या हम ये सब Heavenly Lord को बताएं? दीजुन रुकने को कहता है. यहाँ सभी पार्टी करते हैं तभी वहाँ सांगजी और शाओशन पहुँचते हैं. Zian कहता है ये कितना चालू है इसने ऐसा टाइम सिलेक्ट किया माफी मांगने के लिए जब सभी है यहाँ. Fox King कहता है मैंने पहले ही कहा था ये आइडिया बुरा है तुम तो बस नाटक करने को कह रहे थे. शादी कब की इज्जत से टूट चुकी होती लेकिन अब देखो सभी गॉड के सामने Baishan की और बेइज्जती होगी. Zian कहता है मुझे प्रेम मत करो मुझे क्या पता था सांगजी इतना हिम्मत वाला निकलेगा. Heavenly Lord कहता है सांगजी तुम कितने बेशरम हो मैंने किसी को भी इवियल सीलिंग पगोड़ा में जाने के लिए मना किया था. सांगजी कहता है फादर मेरी विश पूरी करे शाओ शिंग के पास ज्यादा पार नहीं थी अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो रात तक बची नहीं पाती वो मर जाती. Heavenly Lord कहता है तुम्हें उसकी बड़ी चिंता है तुम तो उसके लिए मरने को भी तैयार हो. सांगजी एग्री करके कहता है मैं शाओ शिंग के साथ मरने को भी तैयार हूँ. सभी वहाँ शॉक हो जाते हैं. दीजुन भी वहाँ पहुँचकर सब देखता है. Heavenly Lord कहता है बढ़िया बहुत बढ़िया मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ तुम दोनों बड़े गॉड के सामने अपने आप को मारकर उनसे माफी मांगो. सांगजी एग्री करता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है शाओ शिंग भले ही हम 3 महीने एक साथ रहे हैं पर जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिली वो मुझे पहले कभी नहीं मिली. तुम पहले मरो बाद में मैं तुम्हें फॉलो करूंगा. शाओ शिंग रोते हुए कहती है मैं आपके साथ मरने को तैयार हूँ. सांगजी रोते हुए जैसे ही उसे मारता है Zian उसे रोक देता है. दीजुन सब देखकर स्माइल करके चला जाता है. Zian कहता है देखो इन दोनों में कितना प्यार है इन्होंने कुछ ज्यादा गलत काम तो नहीं किया है क्यों ना जल्दी से शादी कैंसिल करके इस मैटर को यही खत्म करें. Fox King जैसे ही कुछ कहने जाता है Heavenly Lord उसे रोककर कहता है Celestial Tribe गलत है तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे. तभी Liang Song अपनी बात रखकर कहता है सेकंड ब्रदर और Baishan का रिश्ता तोड़ दे. Heavenly Lord उस पे चिल्लाकर कहता है यह रिश्ता टूट नहीं सकता. Liang Song कहता है मुझे पूरी बात बताने तो दो. Heavenly Lord कहता है बताओ अगर बकवास करी तो मैं तुम्हें हैवी पनिशमेंट दूंगा. Liang Song कहता है सेकंड ब्रदर और Baishan का रिश्ता Celestial Tribe और Fox Clan के बीच है ये बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट मैटर है इससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन भी बनेगा. अगर सेकंड ब्रदर Baishan से शादी नहीं कर सकते तो क्यों ना Celestial Tribe से बेटर पर्सन से उसकी शादी करा दे इससे Celestial Tribe और Fox Tribe में रिश्ता रहेगा दोनों में डिग्निटी बनी रहेगी. Fox King पूछता है दूल्हा कैसे बदल सकता है कौन Baishan से शादी करेगा. Liang Song कहता है मैं Fox Clan को नीचा नहीं समझता इसलिए मैं एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस वाले इंसान यानी Heavenly Lord का ग्रैंडसन ये हुआ की बात कर रहा हूँ. Heavenly Lord पूछता है क्या
टैमसन कहता है ये हुआ सेलेस्टियल राइप का क्राउन प्रिंस है, नेक्स्ट हेवनली लॉर्ड भी है। तभी सियान खुश होकर कहता है ये अच्छा सजेशन है। टैमसन कहता है आप समझदार है, सांगजी और बाईशान पहले कभी नहीं मिले, दोनों के बीच कोई फीलिंग्स भी नहीं है, लेकिन अब सांगजी के पास कोई है जिसे वो बहुत पसंद करता है, इसलिए वो बाईशान के लायक है ही नहीं। लेकिन अगर ये रिश्ता ब्रदर के लिए ही रहेगा तो चिंगजू और फॉक्स क्लान के लिए रिश्ता बेकार है। जियान एग्री करता है। लियांगसोंग कहता है लेकिन अगर ये रिश्ता येहुआ की तरफ से रहेगा तो सेलेस्टियल ट्राइब की सिंसियरिटी को दिखाएगा, येहुआ फ्यूचर लॉर्ड बनेगा, इसलिए अगर बाईशान उससे शादी करती है तो बाईशान फ्यूचर की एम्प्रेस होगी, इससे सेलेस्टियल पैलेस में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, इससे सब और खुश होंगे। जियान एग्री करके कहता है मुझे भी ये हुआ बाईशान के लायक लगा। फॉक्स किंग पूछता है आर यू श्योर? जियान कहता है मैंने बाईशान को पढ़ा उतने देखा है, मैं उसके लिए गलत लड़का कैसे सिलेक्ट करूंगा। फॉक्स किंग कहता है वो जिद्दी है, पिछले अरेंजमेंट से वो खुश नहीं थी, फाइनली हमें शादी कैंसिल करने का मौका मिला, बट अब अगर तुमने ये दूसरा रिश्ता उसके बिना रजामंदी के लिया तो कहीं और प्रॉब्लम न बढ़ जाए। जियान कहता है अगर वो खुश नहीं होगी तो हम रिश्ते तुम्हारा कैंसिल कर देंगे। जियान लियांगसोंग से कहता है हम इस रिश्ते के लिए एग्री है। हेवनली लॉर्ड आप क्या सोचते हैं? हेवनली लॉर्ड येहुआ को आगे करके डिग्री पड़ता है, मैं इस रिश्ते को तुम्हारे लिए आज एक्सेप्ट करता हूँ। फॉक्स किंग जैसे ही शादी की डेट सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं चिंगजू की क्वीन बाईशान से शादी करनी होगी। जब तुम हेवनली लॉर्ड बनोगे बाईशान हेवनली एम्प्रेस बनेगी। सुजिन शॉक हो जाती है, येहुआ डिग्री एक्सेप्ट करता है। हेवनली लॉर्ड सांगजी को नॉर्थ में जाकर नॉर्थ सी में रहने को कहता है, सांगजी भी डिग्री एक्सेप्ट करता है। बाद में फॉक्स किंग जियान से कहता है सांगजी ऐसे ही छूट गया। जियान कहता है एक औरत के लिए उसने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को टुकरा दिया, इसमें लायक क्या है। बाद में लियांगसोंग येहुआ के सामने कहता है मुझे अभी भी गिल्ट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। येहुआ कहता है अगर इतना ही गिल्ट फील हो रहा है तो आप आयशान से खुद शादी क्यों नहीं कर लेते तो ये अच्छा होता। लियांगसोंग कहता है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो फॉक्स किंग की बेटी चिंगचू की क्वीन है, लेकिन अगर वो हाई गॉडेस बन गई तो पूरी दुनिया में उससे उलझने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहता कि मुझे उससे शादी करनी है तो फॉक्स किंग और जियान मुझे बाईशान के लायक ही नहीं समझते। येहुआ कहता है ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, रिश्ता पक्का हो गया है तो बस मैं उससे शादी करूंगा। येहुआ के जाने के बाद लियांगसोंग गिल्ट में रहता है, यहाँ सुजिन खूब रोती है। तभी वहाँ येहुआ आता है, वो उससे पूछती है तुम्हें डिग्री एक्सेप्ट क्यों की। येहुआ कहता है क्यों नहीं करता। सुजिन उसका हाथ पकड़ के कहती है जानती हूँ तुम सब समझते हो, देख सकते हो कि मैं तुमको लेकर क्या सोचती हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। येहुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या देख रहा हूँ। सुजिन रोते हुए कहती है तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। येहुआ उसका हाथ हटाते हुए कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपने आंट समझा, मैं तुम्हें वैसे रिस्पेक्ट देता हूँ जैसे मैं अपनी मदर को देता हूँ। सुजिन पूछती है तुम्हें बुरा लगता है कि मैं तुमसे 20,000 इयर्स बड़ी हूँ, पर जिस औरत को तुम अपनी वाइफ बनाने जा रहे हो वो चिंगचू की हाई गॉडेस बाईशान है, वो तुमसे 90,000 इयर्स बड़ी है। सुजिन उसे रोककर कहती है मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए, जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है जिससे तुम चिंगचू को खुश कर सको। येहुआ कहता है मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, वाइफ आज नहीं तो कल होनी ही थी, कौन वाइफ बनती है डजंट मैटर, अगर तुम कैपेबल होती तो क्यों ना तुम बाईशान जैसी बनती और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होती कि मैं तुमसे शादी करूं। वो ये कहकर चला जाता है। सुजिन वहाँ खूब रोती है, बाद में वो सारी बात लीशु को बताती है। लीशु कहती है ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सेलेस्टियल पैलेस में कोई भी ये शादी नहीं तोड़ सकता। सुजिन कहती है तो मैं हेवनली लॉर्ड से भीख मांगूंगी। लीशु उसे रोककर कहती है मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैं तुम्हारी येहुआ को लेकर फीलिंग्स जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम येहुआ से शादी करोगी तुम उसी की रहोगी और उसका अच्छे से ख्याल रखोगी, ये मेरी विश थी। हेवनली लॉर्ड और उसके फादर को उसको लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन है, जो येहुआ से शादी कर सकता है वो सेलेस्टियल ट्राइब की किसी भी क्लान से होना चाहिए, समझी। सुजिन कहती है तो मैं सिर्फ नाम की प्रिंसेस हूँ, क्योंकि ना तो कोई ट्राइब मुझे सपोर्ट करता है, पर ना ही मेरी फैमिली है, पर ना ही मेरे पेरेंट्स है, मतलब मैं नेक्स्ट हेवनली लॉर्ड की वाइफ बनने लायक ही नहीं हूँ। लीशु एग्री करती है। सुजिन पूछती है मैं इन्फ्लुएंशियल क्लान से थी, सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के लिए मेरा पूरा क्लान और सभी, वो रो जाती है। लीशु एग्री करके कहती है भले ही तुम्हारा पूरा क्लान सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के बाद नहीं बचा, उन्होंने सेक्रीफाइस किया इसलिए तुम्हें प्रिंसेस का टाइटल मिला, वो मैंने तुम्हें पाला है, लेकिन अगर ये हुआ कि अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स होती है तो तुम्हारा चांस है, बट उसके मन में तुमको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे सिलेक्ट करो जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। या फेंगजू लुशी रिवर के पास पहुंचकर अर्थ इमॉर्टल को बुलाती है। इमॉर्टल कहता है तुमने बेकार में बुला लिया मुझसे। फेंगजू कहती है गोल्डन टाइगर तुमसे ज्यादा डरावना लगता है। इमॉर्टल कहता है वो तो गोस्ट शेयर में था, वो तो बहुत डरावना लगता है, सिर्फ हाई इमॉर्टल ही उसे लड़ सकते हैं। फेंगजू कहते हैं हाई इमॉर्टल कहना बंद करो, पता नहीं कि कब मैं हाई इमॉर्टल बनूंगी। इमॉर्टल पूछता है क्यों बुलाया मुझे।
रंजू कहती है तीजू ने तुम्हें अपनी पार से बस बेल को बजाने को कहा था ताकि वो जल्दी से सामने आ जाए, याद है ना? लेकिन अब तीजुन का मन बदल गया है, उन्होंने अब ये फ्रूट बजाने को कहा है। इमोर्टल हिचक जाता है। फेंगजू कहती है बिलीव नहीं हो रहा क्या? इमोर्टल कहता है हाँ हाँ, तीजुन के साथ आई थी। वो फ्रूट लेकर पूछता है अब इस बेल का मैं क्या करूँ? फेंगजू वो बेल ले लेती है। वो उसे बजा कर खूब खुश होकर कहती है अरे आंट को तो आज बर्थडे है, मुझे जल्दी जाना होगा। यहाँ गोस्ट मैक्स शान्यो क्वीन होती है, वो एक सर्वेंट को पनिश करती है। सर्वेंट उसे अपनी जिंदगी की पीक मांगती है। शान्यो कहती है तुम्हें छोड़ दूँ? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती हूँ, तुम बस मेरी तरह देखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर सिलेक्ट किया ताकि तुम गोस्ट लॉर्ड को सर्व कर सको। पर तुमने जानबूझकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फेंक दी और प्रेग्नेंट हो गई। तुम बस पैलेस मेड हो और तुम प्रिंस को जन्म देने का सोच रही हो। वेट, मना करके कहती है मैं नहीं बल्कि मैजेस्टी ऐसे चाहते थे, मैं उन्हें 3 महीने से सर्व कर रही थी, यह उन्होंने देखा कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो उन्होंने शामन से मेरी पर्स चेक कराई तो उन्हें पता चल गया कि मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हूँ तो उन्होंने मुझे वो लेने से रोक दिया। श्वान्यो गुस्सा करके रहती है अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम एक सर्वेंट हो, मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकती हूँ? क्या तुम मैजेस्टी का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाना चाहती हो? वो सोल्जर्स को ऑर्डर देती है इसको खत्म कर दो। सोल्जर्स उस मेट को ले जाते हैं। मेट चिल्ला के कहती है तुम्हारा भी एंड आएगा, मैं तुम्हारे लिए लॉयल थी फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं एक मेड हूँ जस्ट बिकॉज तुम एक बच्चा नहीं कर सकती इसलिए तुम मुझसे जान रही हो। ये तुम्हें फल मिल रहा है जो तुमने धोखा दिया चिंचू को, यही तुम्हारा कर्म है। तुम पूरी जिंदगी में बच्चा नहीं कर पाओगी। शान्यो गुस्से में उसे खूब मार कर कहती है मेरा क्रूअल एंड होगा। हाँ, वो सोल्जर्स को कहती है इसे आर्टिक लैंड में ले जाओ, वहाँ स्नो वुल्फ से इसे खिलवा दो। वेट चिल्लाती है यहाँ बादशाह गोशिन बजाती है और बाइजन मेडिटेट करके अपने मेटाफिजिकल बॉडी को ट्रेन करता है। बाद में बादशाह बाइजन को ड्रिंक भेजती है। बाइजन जैसे ही ड्रिंक करता है तभी वह फेंगजू आकर गिरती है और बाइजन को आंट कहकर पुकारती है। बाइजन कहता है लो लिटिल फॉक्स वापस आ गई। फेंगजू कहती है आंट मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ ताकि आप पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्यूटी बन के रहे, आपको ये सब सुनकर अच्छा लगा ना? बाइशान एग्री करती है। फेंगजू कहती है आप वैसी ही हो बूढ़ी बट फनी। बाइशान उसे मारकर फॉक्स बनाकर कहती है तुमने मुझे बूढ़ा कहा तो तुम फॉक्स बनकर रहो। वो तीजुन की बेल उठाकर कहती है ये अच्छी है, पता नहीं तुमने कहाँ से चुराई है। वो उसके पैरों में बेल बांध देती है। बाद में बादशाह जाती है, फेंगजू सोचती है आंट कहाँ जा रही है, वो उसका पीछा करती है। बाद में बादशाह कुल्लून माउंटेन पहुँच कर कहती है पहले यहाँ कितना हरा भरा रहता था, सभी गॉड्स की यहाँ पूजा हुआ करती थी, बट अब देखो कैसा हो गया है। फेंगजू पीछे पीछे आती है, बादशाह अंदर जाकर अपनी यादें ताजा करती है। फेंगजू कहती है ओ तो ये लेजेंडरी कुल्लू माउंटेन है। बादशाह को मोयुआन के फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो डिसिप्लिन बनी। बाद में मोयुआन ने बादशाह के हेवनली ट्रायल भी लिए। लेंग्यू और मोयुआन की डेथ को याद करती है। बाद में वो उस रूम में जाती है जहाँ मोयुआन सीएन के लिए ड्रिंक लाया होता है। बादशाह सब याद करके ड्रिंक करने लग जाती है। फेंगजू उसे देखकर कहती है आंट यहाँ आधी रात में वाइन को चुरा के ड्रिंक करने आई है। बादशाह को समझ आ जाता है कि फेंगजू वही है। वो उसे अपने सामने लाकर कहती है लिटिल गर्ल तुमने मुझे बहुत फॉलो किया, तुम्हें यहाँ सेलेस्टियल ट्राइब के सीक्रेट लैंड को एडमायर करने का मौका मिल गया। वो स्पेल की स्क्रोल निकाल कर कहती है मैं बहुत दूर ट्रैवल करने जा रही हूँ, इसमें मैजिक टेक्निक है, सिर्फ मैं ही इस टेक्निक को जानती हूँ। अगर मैं मर गई तो ये हमेशा के लिए खो जाएगा, दुनिया परेशानी में आ सकती है। वो स्क्रोल रखकर कहती है ये बेल तुम्हें दोंगुआ दीजों ने दिया ना, मैं इसे देखते ही पहचान गई। ये बेल तुम्हें कैसे मिली? जब मैं लौटूंगी तब मैं जरूर पूछूंगी। फेंगजू कहती है आप इसे क्यों कह रही हो, कहाँ जा रही हो आप आंट? बादशाह हंस के पूछती है तुम जानना चाहती हो? ये ऐसा है जिसे मैं किसी को बताना नहीं चाहती और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। वो उठकर कहती है 3 दिन तक तुम सोगी, बाद में जो मैंने स्पेल बनाया है वो टूट जाएगा, बेल को हिलाकर तीजुन को बुला लेना। वो स्पेल दे देती है, फेंगजू सो जाती है। बाद में वो रूशी रिवर के पास पहुँच कर कहती है सील उठने वाली है, तभी अर्थ इमॉर्टल सामने आता है। बादशाह उसे नॉकआउट करके कहती है अपनी लाइफ बचाओ इमॉर्टल। वो बेल ऑफ ईस्ट एम्परर के पास जाकर शिंकांग को देखती है। शिंकांग कहता है 70,000 ईयर्स हो गए, मोयुआन की सोल चली गई बट मुझे यहाँ बांध गई। बादशाह कहती है तुम्हें लगता है कि तुम 70,000 ईयर्स के बाद आजाद हो जाओगे? मास्टर नहीं है तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे स्पेल सिखाया है। मैं बादशाह तुम्हें अगले 70,000 ईयर्स के लिए सील कर दूंगी, भले इन सब में मेरी लाइफ ही क्यों ना चली जाए। शिंगांग पूछता है तुम मोयुआन की डिसिप्लिन हो, कौन हो तुम? बादशाह कहती है मैं चिंचू की क्वीन बादशाह हूँ, पहले मैं सीएन भी थी। वो कुनलुन आर्टिफैक्ट से लड़ती है। शिंगांग हंस के डेविल एनर्जी रिलीज करता है। ये हुआ बायजन और दाऊंगा तीजुन को इन सब का अंदाजा लग जाता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन बायजन पहचान लेता है कि ये रेड लोटस हेल फायर है। बादशाह अपनी एनर्जी से शिंगांग को
सील कर देती है। शिंकांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत मुझे सील करने की? सिर्फ मोयुआन का ही हक था। जब वो मरकर वापस आता, वो बायशान पे पलटवार करता है। बायशान गिर जाती है। शिंकांग कहता है, तुम्हारा चेहरा वैसे ही रहेगा पर तुम्हारी पास सील हो जाएगी, पर तुम पूरी जिंदगी मॉडल रेम में तुकी में बिताओगी। तुम कभी खुद को पहचान ही नहीं पाओगी कि तुम कौन हो। वो एनर्जी लिफ्ट करके उसे कर्स करके मॉडल रेम में भेज देता है। बायशान मॉडल रेम में पहुंचकर बेहोश पड़ी होती है। तीजोल सब देखता है और चेक करने पहुंच जाता है और चेक करके कहता है, कल तो यहाँ बहुत हलचल थी। शिंकांग यहाँ से आजाद होने की फिराक में था, अब इतना शांत क्यों है? वो चेक करके अर्थ इमॉर्टल के पास पहुंचकर पूछता है, तुम्हारी हालत ऐसी किसने की? इमॉर्टल कहता है, दिन में पहले ऑफ ईस्ट टेम्पल में कुछ अनयूजुअल हुआ। जैसे ही मैं देख के कुछ कर पाता, एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी ने मुझे नॉकआउट कर दिया। तिजुन कहता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी? क्या कहीं वो तो नहीं जिसके साथ मैं कल आया था? इमॉर्टल मना करता है। तिजुन सोचकर कहता है, कौन है वो? इमॉर्टल बताता है, जो लेडी कल आपके साथ आई थी, उन्होंने बेल की जगह मुझे ये फ्लूट दे दिया। दीजुन हंसकर कहता है, बेल ऑफ ईस्ट एम्परर तुम्हारा पहचान पड़ गया, मतलब अब कुछ सीरियस होने वाला नहीं है, तुम फ्लूट मुझे दे दो। इमॉर्टल फ्लूट देके चला जाता है। दीजुन फ्लूट देखकर खुश होता है। यहाँ मॉडल रेम में बायशान को होश आता है, वो इंजर्ड होती है और आसपास कुलून माउंटेन का आर्टिफैक्ट देखकर कहती है, किसने गिराया इसे? तभी वहाँ एक बिल्ली आती है, वो उसे उठाकर पूछती है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है? वो आगे बढ़कर एक हाउस देखकर कहती है, यही तुम्हारी फैमिली रहती है क्या? वो उस बिल्ली को छोड़कर आगे बढ़ती है। कीट गिर जाता है, हर जगह धूल होती है। बैम्बू से बना वो घर को देखती है, वहाँ एक मिरर में वो अपने आप को देखकर कहती है, मैं कौन हूँ? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन ऑन जगह। थैंक यू।